बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षा कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि 95% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती हैं। यदि लोग यात्रा ई गवर्नेंस पत्रिका के विशेष संस्करण का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन, गृह व पीडब्ल्यूडी विभाग मिलकर सुरक्षा के लिए काम करें, जिससे दुर्घटनाओं को तो रोका जा सके, साथ ही सुरक्षा भी दी जा सके। उन्होंने कहा कि सड़क यातायात के नियम शैक्षिक पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, जिससे परिवहन विभाग में भी को इस विषय की जानकारी प्राप्त हो सके। ऑनलाइन लाइसेंस के मामले में वो कड़ाई से पालन हो रहा है, और आपके नेतृत्व में मैं सभी अधिकारी कर्मचारी जो परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं, और एक तरह के जो कानून बनता है, कानून भ्रष्टाचार में तब्दील न हो, कानून नियम का पालन हो और कड़ाई से पालन हो, जैसे दिल्ली के अंदर लोग घुसते हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी लोग अपने को समझें कि नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो चालान होगा। यह भी अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है। पहली बार राज्य के अंदर 7,000 विद्यालय और ऐसे 11-12,000 के ऊपर स्थानों पर रोड सेफ्टी के कार्यक्रम हुए, जो समाज से जोड़ने का काम हुआ है। लगभग 14 लाख के ऊपर लोगों ने प्रतिभागी हुआ है। छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर के थोड़ा भी उसके प्रति हम समाज को जागरूक कर लें। प्रतिदिन मौत के आंकड़े और उसके बाद होने वाली जन और धन की हानि को हम न्यूनतम स्तर पर ला सकते हैं, और मुझे लगता है सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए जो नियम हैं, सामान्य लोगों के लिए वह छोटी बात हो सकती है, लेकिन कभी कभी वे छोटे नियम ही बड़े कारगर होते हैं। कभी कभी सड़क सुरक्षा से जुड़े हुए नियमों को सख्ती के साथ पालन उस व्यक्ति को जीवन दान भी दे सकता है, और अक्सर देता ही है। मैं अक्सर इसमें बात को लखनऊ में देखता रहा हूं। यहां पर अचानक बहुत सारे फ्लाईओवर ऐसे थे जो बहुत सारे नौजवानों के स्टंट के माध्यम बने हुए थे, और कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वहां पर 2-4 नौजवान अपनी जान न गंवाते रहे। पुलिस ने सख्ती की, कुछ लोगों ने प्रतिरोध किया, लेकिन प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब जीवन के साथ हो रहे उस खिलवाड़ को सख्ती के साथ रोका गया। मैंने विगत एक वर्ष से देखा कि एक भी ऐसे मामले नहीं आए हैं जिसमें स्टंट करते हुए युवाओं को अपनी जान जोखिम में डालने की मौत आई हो।